हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडक्शन को रिपेयर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडक्शन हमने ऑन कर दिया है, लेकिन दोस्तों इस इंडक्शन में दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इसका डिस्प्ले वगैरह सब सही है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर, वाट वगैरह सब सही दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों ये हीट नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है। इसमें आप कोई भी बर्तन रखते हो तो हीट नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसका डिस्प्ले पूरा आ रहा है और इसका जो टेम्परेचर है, जो वाट है, वो कम ज़्यादा भी हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये हीट नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या ख़राबी है, कौन सा कंपोनेंट्स ख़राब है, इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस इंडक्शन में बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, हीट नहीं हो रहा है, और इसका जो डिस्प्ले वगैरह है दोस्तों, वाट वगैरह सब सही दिखा रहा है। तो इस इंडक्शन को हम खोल के देख लेते हैं, इसका कौन सा कंपोनेंट्स ख़राब है, क्या इसमें कंपोनेंट हमें नया लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से दोस्तों ये इंडक्शन गर्म नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस इंडक्शन को खोल के हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इंडक्शन को खोल लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसके सभी कंपोनेंट्स इस पर लगे हुए हैं। यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, दो जो ब्लैक कलर के लगे हैं दोस्तों, कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये इसका इंडक्शन कॉइल है और यहाँ पे टेम्परेचर का सेंसर दिया गया है, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, बर्तन को सेंस करने के लिए। और आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक दोस्तों इसको वोल्टेज को फिल्टर करता है और इसका जो पावर फैक्टर को बूस्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका वोल्टेज चेक कर लेना है, यहाँ पे इसके IGBT पर वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं, या पूरा वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज कम पहुँचेंगे, अगर इसका जो फिल्टर कैपेसिटर वो ख़राब होगा, तो वीक होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लगभग 300 वोल्ट पहुँच रहे हैं, तो वोल्टेज तो दोस्तों सही पहुँच रहा है। इस इंडक्शन में दोस्तों ज़्यादातर ये कैपेसिटर जो दिख रहे हैं दोस्तों, दो बड़े बड़े कैपेसिटर्स हैं, एक वोल्टेज को फिल्टर करता है दोस्तों, AC को DC में कन्वर्ट करता है, और इसका प्लस माइनस नहीं होता है दोस्तों, किसी भी तरह से आप इसको लगा सकते हो। और एक यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसका जो पावर फैक्टर को बूस्ट करता है, और ये भी DC कैपेसिटर है दोस्तों। और इन दोनों में से दोस्तों कोई भी अगर ख़राब हो या वीक हो, तो इंडक्शन हीट नहीं करेगा, गर्म नहीं करेगा। और इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का जो डायोड देख रहे हो वो, या IGBT अगर ख़राब हो गया हो, तो दोस्तों हीट नहीं करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक कर लिया, इस तरह से वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। अगर कम वोल्टेज आए तो दोस्तों आपको ये जो कैपेसिटर है इसको चेंज करना है। अगर वोल्टेज सही आ रहे हैं तो दोस्तों आपको ये वाला जो कैपेसिटर है इसको चेंज कर देना है दोस्तों, चेंज करके आपको देखना है। अगर इसको चेंज करने से अगर फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा दोस्तों, जो इसके वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए, उसको भी चेंज करके देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस कैपेसिटर को चेंज करके देख लेना है। दोस्तों अगर इस कैपेसिटर को चेंज करने के बाद भी हमारा फॉल्ट सॉल्व नहीं हो पाता, तो दोस्तों हमें इसके जो और भी कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हैं दोस्तों, इनमें से दोस्तों किसी को बारी बारी से चेक करके देख लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस कैपेसिटर को बाहर निकालना है और नया यहाँ पर लगा के देखना है। दोस्तों ज़्यादातर इस तरह के प्रॉब्लम में ये दो कैपेसिटर वीक हो जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम इन्हीं को पहले चेंज करके देख लेंगे। तो ये कैपेसिटर दोस्तों हमने निकाल दिया है, आप यहाँ पर इसका वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पर इसका वैल्यू है दोस्तों 0.27 माइक्रोफेरेड और 1200 वोल्ट DC का ये कैपेसिटर है दोस्तों। और
यहाँ पे दोस्तों हम नया कैपेसिटर लगाएंगे इसकी जगह पे, यहाँ पे 0.3 माइक्रोफेरेट का 1200 वोल्ट डीसी यानी कि 0.3 यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। अगर 0.27 नहीं है आपके पास तो 0.3 लगा सकते हैं, तो उससे भी ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कैपेसिटर को लगा दिया है, अब इसको हम सोल्डर भी कर देंगे अच्छी तरह से, यहाँ पे सोल्डर करेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज हाई वोल्टेज होता है यहाँ पे, तो इसलिए दोस्तों इसको सोल्डर भी हम अच्छी तरीके से कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे लूज़ कॉन्टैक्ट रहेगा तो भी इसमें बहुत तरह से दिक्कत आएगा। तो देखिए दोस्तों अब हम इस इंडक्शन को ऑन करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इंडक्शन ऑन हो चुका है और ये हीट भी होने लगा है। तो दोस्तों ये फॉल्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इंडक्शन गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, जो पहले गर्म नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे धुआं भी निकलना स्टार्ट हो गया है। देखिए थोड़ी देर में इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो देखिए दोस्तों अब हमने इसको बंद कर दिया है। तो देखिए दोस्तों ये फॉल्ट हमारा सॉल्व हो गया है। ज़्यादातर दोस्तों ये दो कैपेसिटर्स की ख़राबी से दोस्तों इस तरह के फॉल्ट आते हैं, या कहीं अगर लूज़ कॉन्टैक्ट है तो भी आ सकते हैं। और IGBT और ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो डायोड है अगर ये कमज़ोर है तो भी इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से पहले आप इन दोनों कैपेसिटर्स को बारी बारी से चेंज करके देख लें। उसके बाद दोस्तों अगर फॉल्ट आपका सॉल्व नहीं होता है, 90% दोस्तों आपका फॉल्ट इन दोनों कैपेसिटर को चेंज करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आगे आपको IGBT और इसका ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड को भी चेंज करके देख लेना है। इतने में दोस्तों इस तरह से आपका जो फॉल्ट आ रहा है, जो हीट नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।